नगर निगम की मेयर ने पेश किया बजट, जनता पर नहीं लगाया नया कर, बजट में पुरानी योजनाओं को किया गया शामिल। विधायक अनिरुद्ध सिंह के दुर्व्यवहार का मामला आया सामने, विपक्ष ने विधानसभा बजट सत्र में उठाया मामला, एसआई को किया गया निलंबित। धर्मशाला में नगर निगम का वार्षिक बजट पेश, बजट में 14% की बढ़ोतरी, एनओसी को लेकर हुआ हंगामा। धर्मशाला में आज होगा भारत श्रीलंका का मैच, दर्शकों की उमड़ी भारी भीड़, कड़ाके की ठंड में ठिठुरे दर्शक। एक बार फिर पहाड़ों पर मौसम ने बदली करवट, ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी शुरू, पर्यटकों के खिले चेहरे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की खबरें। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत शिमला से करेंगे, जहां नगर निगम ने शिमला ने शुक्रवार को अपना वार्षिक बजट 2022-23 पेश कर दिया है। मेयर सत्या कौंडल ने अपने कार्यालय में कार्यकाल का अंतिम बजट ये पेश किया है। बता दें कि ये 224.19 करोड़ रुपए का बजट है और पिछले साल की तुलना में करीब 2 करोड़ रुपए ज्यादा है। चुनावी साल को देखते हुए नगर निगम द्वारा कोई भी नया कर शहर की जनता पर नहीं लगाया गया है। इस दौरान नगर निगम ने इस बजट में कोई नई योजना करने का ऐलान नहीं किया है, इस बजट में भी पुरानी योजनाओं को शामिल किया गया है। आज जो है 22-23 का जो बजट है वो जो प्रस्तुत किया गया है, ये लगभग 22-24 करोड़ का बजट था। और ये जो बजट नगर निगम में रखा गया है, इससे पहले सभी पार्षद दल का इसमें जो है राय ली गई थी और सभी अपने जो है जो शिमला शहर की जो जनता है उनकी भी इसमें राय ली गई थी। और माननीय जो हमारे यहाँ के विधायक सुरेश भारद्वाज जी है उनकी भी राय ली गई थी, और जो हमारे अनुज जी है, विक्रमादित्य जी है, जो यहाँ के हाउस के मेंबर भी है, उनसे भी इस बजट की राय ली गई थी। और तो मैं समझू कि जो बजट हुआ है और ये बहुत ही अच्छा बजट शिमला शहर को दिया है, जो जो शिमला शहर की डिमांड थी और ये सारी डिमांडें जो है इस बजट में ली गई है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली पिछले वर्ष की भांति ये जो बजट भी है इसमें आम आदमी की रिश्वत भी नहीं दिखाई दिया। और जो इन्होंने जिस तरह बता रही हैं महापौर मैम ने जिसने बताया कि स्मार्ट सिटी का पैसा किस तरह हमने यूज किया, तो वो पैसे का यूज नहीं किया उन्होंने, अपना मिस यूज किया है उस पैसे का। क्योंकि अगर जो हम देखते हैं, अगर जो आप आईजीएमटी और संजौली का जो मार्ग है उस पर 25 करोड़ रुपए का लगभग लोहा लगा दिया गया, जिसका आम पब्लिक का जिसको कोई फायदा नहीं है। जो रोड है वो अगर उसको चौड़ा किया जाता तो गाड़ियां भी वहां से क्रॉस करती और भी फायदे होते, लेकिन ऐसी कई बातें हैं। ये जो पैसा है अधिकतर जो पैसा है संजौली की तरफ यूज किया गया है, बाकी किसी भी वार्ड में इसको कोई किसी तरह का फायदा नहीं मिला है। तो मुझे लगता है बिल्कुल आंकड़ों का माया जाल है और आम पब्लिक में इसलिए कुछ नहीं है, ना हेल्थ के लिए है। अगर आप देखें व्यापारियों की जो स्मार्ट सिटी के दौरान दुकानें बनाई गई हैं वो भी पैसे का दुरुपयोग किया गया है, बाजार के टॉयलेट्स को तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है जो कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। कहीं ना कहीं ये विजन की कमी है मुझे लगता है। सरकार ने कर्मचारियों को फरमान जारी किया है कि प्रदर्शन, बहिष्कार, पिन डाउन स्ट्राइक की तो उनका वेतन काटा जाएगा। वहीं सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि बिना छुट्टी के आंदोलन में शामिल होना उचित नहीं है। साथ ही सीएम ने विपक्ष के विरोध पर कहा है कि वहां सोच समझ वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, राजनीति के लिए ये सब किया जा रहा है। अरे भाई क्या हमने उसमें ये नहीं कहा, हमने एक ही चीज कही है, कोई भी सरकारी कर्मचारी इस बात के लिए अधिकृत नहीं है कि वो खुलेआम हर कहीं हर कुछ बोलना शुरू कर दे सरकार के खिलाफ। वो सरकार के कर्मचारी नियमों के अनुसार अपनी बात जहां कहनी है उनको वो कहें, उनका कोई सुझाव है, आग्रह है, कोई इश्यू है जहां पर उनके जो है वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं जिस मुद्दे पर, तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उसके बाद छुट्टी पर भी नहीं है, तो वो स्थिति मुझे लगता है कि कुछ उचित नहीं है और ये आदत का हिस्सा नहीं भी बनना चाहिए। ये भी बार बार स्पष्ट है कि खासतौर से जो कर्मचारी अगर हैं, तो आज हमने ये व्यवस्था की ऐसा नहीं है, यहां से पहले एक बार नहीं अनेक बार लागू हुई है। और जब
पूर्व सरकार के दौरान तो आपको मालूम है आंदोलन को किस प्रकार से कुचला गया है। ये इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। लोगों की मौत हुई आंदोलन के दौरान, लोग घायल हुए हैं, लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम उनको यही कह रहे हैं, आप शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात कहिए, लेकिन किसी राजनीतिक दल पर भरोसा करके उनकी बात को उनके एजेंडे को लेकर के आप चलते रहिए, ये नहीं हो सकता है। बढ़ते आगे, जहां कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह के साथ बीते दिन ओल्ड बस स्टैंड में पुलिसकर्मी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का मामला विधानसभा बजट सत्र में भी गूंजा। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अनिरुद्ध सिंह के साथ पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा किए गए व्यवहार का मामला उठाया और कार्रवाई की मांग की। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अनिरुद्ध सिंह विधायक हैं और उनके साथ ओल्ड बस स्टैंड में सब इंस्पेक्टर ने दुर्व्यवहार किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनिरुद्ध सिंह जी कसुमटी विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ विधायक हैं और सेशन चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधायकों को मूवमेंट्स करनी है, विधानसभा आना है जाना है और विधानसभा के इस समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एमएलए की मूवमेंट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। और दूसरा ये है कि विशेषाधिकार का मसला है, विशेषाधिकार एमएलए के हैं, उनको कोई हनन करे। हमने कोई एंटायर पुलिस फोर्स की बात नहीं की है, हमने ये कहा है कि ये अनिरुद्ध सिंह जी की भी बात नहीं है, लेकिन ये टूरिस्ट स्टेट है, यहाँ पे लोग जो है लाखों में लोग आते हैं, तो सेंसिटिव पोस्टों पे जो ऐसी जगहें हैं साजिश है, कम से कम ऐसे लोग होने चाहिए जिनका व्यवहार सही हो। और मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, क्योंकि इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ एमएलए, एक एमएलए है तभी आप कार्रवाई करें, आम जनता के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, एक आदमी के कारण पूरा डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम। यहाँ बहुत ऑफिसर जो है, बहुत ऑफिसर 80% 90% पुलिस कर्मी जो है बहुत सहयोग करते हैं। कुछ दिनों पहले उपायुक्त सोलन को नगर परिषद बद्दी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। सोलन के नगर परिषद बद्दी के कांग्रेस पार्टी के पार्षद और बीजेपी के पार्षद तरसेम चौधरी ने इसे पेश किया था, लेकिन उपायुक्त ने अभी तक उस अविश्वास प्रस्ताव पर अपना आदेश पारित नहीं किए हैं। काम करवाए बिना बजट के स्थानीय विधायक पम्मी ने वहाँ करोड़ों रुपए के नींव पत्थर रखे जो कि अवैध हैं, और इस बात के चलते बीजेपी के भी 3 पार्षद जो है वो नाराज थे, जिनमें शैव श्री तरसेम जी हमारे साथ खड़े हैं। तो जब इन्होंने 2 तारीख को डीसी सोलन को यहाँ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, उसके चलते जब भाजपा सरकार को पता लगा कि नगर परिषद बद्दी हमारे हाथ से जा रही है, तो इन्होंने मैनेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बद्दी बुलाया और इसकी इंक्वायरी करे, जांच करे। मैं यहाँ सोलन की सीआईडी से भी कहना चाहूंगा, बद्दी की सीआईडी से कहना चाहूंगा कि आप इंडस्ट्री एरिया की सीआईडी से पता करें, उद्योगपतियों से पता करें, उद्योगपति इनके। वहीं नगर निगम धर्मशाला का वार्षिक बजट पेश किया गया है। बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बजट में 14% की बढ़ोतरी की गई है। जहां पिछले साल 112 करोड़ 94 लाख का बजट था, जबकि इस बार 128 करोड़ 95 लाख का बजट पेश किया गया है। निगम बनने के बाद धर्मशाला का आज पहली बार बजट पास हुआ है, जो कि पिछली बार 113 करोड़ था और इस बार बढ़ा के 129 करोड़ जो है वो बढ़ा दिया है। और देखिए, आज मेयर साहब ने अपना पहला बजट पेश किया और अच्छा बजट पेश किया उन्होंने। जैसे कुछ स्कीम्स ऐसी थी जैसे विकास में जनसहयोग, जो हमने पहले भी पिछले बजट में पास किया था, लेकिन क्योंकि कोरोना 2 साल तक रहा तो उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हुआ। लेकिन जैसे विकास में जनसहयोग के लिए 3 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा है उन्होंने। और जो पार्किंग की जो हम बात करते थे, शहर में पार्किंग की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है, उसके लिए अलग से 5। बढ़ते आगे, जहां जिला मंडी के भीमकाली मंदिर में 2 दिवसीय फ्री हार्ट केयर कैंप का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कैंप में लगभग 200 से ज्यादा लोगों ने अपना हार्ट का फ्री चेकअप करवाया। इस कैंप में स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजी डॉक्टर राजीव मारवा और डॉक्टर मीना राणा ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की। बहुत बार हम लोगों ने देखा कि ये जो कोविड का जो टेन्योर था, इस टेन्योर में बहुत सारे जो हार्ट के पेशेंट थे
उनको शिमला जाने में मुश्किल आ रही थी। तो जब इस बारे में डॉक्टर राजीव मारवा जी से बात हुई तो उन्होंने अपनी विलिंगनेस शो की कि वो मंडी में इस तरह का कैंप लगाएंगे जहां आईजीएमसी में आने वाले जो हार्ट के पेशेंट थे उनको यहीं पर सुविधाएं मिले। तो इसके लिए मंडी के कुछ युवाओं ने यहां पर कैंप लगाने के बारे में सोची और हम लोगों को माता भीमाकाली संस्थान जो भ्यूली में है उनके प्रधान पुष्पराज जी की तरफ से बहुत सहयोग मिला। उन्होंने अपना हॉल दिया और लगभग 30 से ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहाँ पे सहयोग दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज शाम 7 बजे से शुरू होने वाले भारत श्रीलंका मैच को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम के हालातों पर नजर डालें तो बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। धर्मशाला में इस समय जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है वहीं भारत श्रीलंका मैच को लेकर दर्शक गर्म जोशी के साथ स्टेडियम में प्रवेश कर रहे हैं। और हम दिल्ली से आए, मैच का तो देखिए बहुत पैशन है। 2019 में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब था तब भी बारिश के कारण धुल गया था, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने कहा चलो इस बार भी पूरी उम्मीद से हम तैयारी करके आए हैं कि इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि जो लास्ट टाइम हमारा नहीं हो पाया था देखने का मैच का, तो इस बार ही वो पूरा हो पाएगा। बहुत उत्साह है, लास्ट टाइम भी सेम जैसे अभी मैंने बताया 2019 में भी हमारे साथ यही हुआ था कि मतलब व्हाइट वॉश हो गया था मतलब, लेकिन आज पूरी उम्मीद है फिंगर क्रॉस की आज का मैच पूरी तरीके से हम देख पाए। यदि अगर आज 19 होता भी है तो कल का तो हमारे साथ है मैच दोनों तरफ की टिकट से लास्ट बारी। और पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल कुफरी नारकंदा में जहां सुबह से बर्फबारी हो रही है वहीं राजधानी शिमला में भी बर्फबारी जारी है। जहां रिज मैदान में पर्यटक मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं शहर भर में हल्की बर्फबारी हो रही है जबकि कुफरी नारकंदा में जमकर बर्फबारी हो रही है। तो मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी शुरू हो गई है और ऐसे में पर्यटकों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर मौसम ने करवट बदल ली है। कुफरी नारकंदा में जहां सुबह से ही बर्फबारी जारी है वहीं राजधानी शिमला में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुए पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हुई है। बर्फबारी ऊंचे इलाकों में हुई है। चंबा जिले के ऊंचे इलाके, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला के ऊंचे इलाके 1 सेंटीमीटर, सांगला जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में वहां से 1 सेंटीमीटर और शिमला में भी 0.8 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जो बारिश है वो चंबा में एक स्टेशन बटियाट है वहां से 26 मिलीमीटर। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।